हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल शाह। तो आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पे। तो आई डेट है 29। तो जो हमारा है न्यू ईयर का वो प्रोग्राम वैष्णो माता के है, और सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मिसेस भाविका कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। जाने से पहले थोड़ा सा स्कूल का काम भी कंप्लीट करना होता है। तो अब हम आ गए हैं बैग्स के पास। ये देखिए पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो हमारे पास है 3 बैग्स है, क्योंकि 3 दिन का ट्रिप है, उस अकॉर्डिंग जैकेट्स वगैरह है। तो लास्ट पूरे सफ़र के अपडेट देते रहेंगे। लेट्स कंटिन्यू। मैं कटरा स्टेशन पे के 5:30 बज चुके हैं एंड वी आर एट द कटरा स्टेशन। और बहुत ही अच्छा स्टेशन है, देखिए व्यू अच्छा। अरे मेरा बैग। चलिए मैडम, कहाँ जाना है? तो अब हम आ गए हैं न्यू अशोका होटल में, और जी है हमारा रूम। एंटर हम पहले ही हो गए थे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा से एंटर हुआ। तो ये वॉशरूम है, अच्छा है, अटैच गीजर है, एक LCD स्क्रीन है, बेड फॉर 2, चेयर टेबल, और ये हमारी धर्म पत्नी, और ये बढ़िया सा शीशा। तो चलिए बाकी की वीडियो यात्रा में कंटिन्यू करते हैं। तो हम रेडी हैं जाने के लिए, तो यात्रा स्टार्ट करने लगे हैं। ये बैग पैक रख लिया है, इन्होंने भी रख लिया है, सारा सामान तो मेरे पास पकड़ा है वैसे। तो चलिए, जय माता दी। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ से यात्रा स्टबी लाइन है, काफ़ी रश है क्योंकि न्यू ईयर का मौका हुआ, नीचे तक लाए जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ, और ये हमारा है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द यात्रा। यात्रा देवी भवन के पास। मौसम थोड़ा सा अच्छा कह लो, खराब कह लो, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बीच में से स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है, वहाँ ऊपर स्नो है। तो अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी भैरव घाटी की तरफ। तो एक छाता हमने रखा था साथ में, वो लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। Oh,
भोजनालय पे, जो सरकारी भोजनालय है। तो यहाँ पे हम कढ़ी चावल लिए हैं और ब्रेड पकौड़ा लिए। अच्छा है, मतलब कि यहाँ लोकल खाने के लिए साफ सामान मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। तो आई प्रेफर कढ़ी चावल और राजमा चावल जब भी मैं यहाँ पे आऊँ। शर्मा जी भी खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे हैं हम भैरव घाटी के पास। तो हम अपने आप ही ले में दर्शन करने के बाद हम वापिस जा रहे हैं कटड़ा की ओर। इस पतले से इस रास्ते से, और हम सीढ़ियों की ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इजी रहती हैं उतरने के लिए प्लेन रास्ते के कंपैरिजन में। लेकिन अगर घुटनों में दर्द हो रही हो तो सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चाहिए, फिर पैदल आओ। तो हमारे चारों घुटने सलामत हैं, दो मेरे और दो भाभी का के, इस वजह से हम सीढ़ियों से आ रहे हैं। घोड़ा आ रहा है? नहीं है, नहीं बैठना, आगे जाके बैठते हैं। इसे कूड़े आ रहे हैं, कुड़ 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 कर करते हैं। व्यू अच्छा है इधर, ग्रीनरी है। तो ये है वापिस आ सकता हूँ मार्केट। आप रौनक देख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके का सामान, माता की चूड़ियाँ, सब कुछ मिलता है। तो आज है हमारा यहाँ पे सेकंड डे और बाहर देख तेज निकली हुई है, मतलब कि हम लुधियाना से यहाँ आए हैं कि मौसम अच्छा देखने के लिए। अब लुधियाना में बादल है और यहाँ पे धूप निकली, बेसिकली ये एरिया लुधियाना। तो चलिए कोई बात नहीं, हिल स्टेशन है, ताज़ी ताज़ी हवा खाएंगे। और आज हम जा रहे हैं सेकंड डे में कटड़ा मार्केट घूमने के लिए, जहाँ पे हमें अलग अलग वैरायटी, जैसे यहाँ की स्पेशलिटी होती है वो देखेंगे और मार्केट में बाकी की वीडियो बनाएंगे। और मैडम तैयार हो रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं ये मूंग दाल की टिक्की, जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से है। बढ़िया है, मूंग दाल के साथ में गर्मा गर्म चाय। तो अब हम आ गए हैं कटड़ा मेन चौक पे, मेन कटड़ा मार्केट। यहाँ से ऊपर पहाड़ी का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे मार्केट का नज़ारा बहुत अच्छा है, तो चलिए।
तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो आए हैं यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया सी चौपाटी मार्केट है, तो काफी बढ़िया और शानदार मार्केट है। तो कुछ भी फास्ट फूड आपको खाना हो तो ये मार्केट में आइए, तो इधर आपको सारा कुछ मिल जाता है, कि मैगी, मंचूरियन, मोमोज, स्प्रिंग रोल। और हम आए हैं यहाँ पे वैष्णो फास्ट फूड शॉप पे, लास्ट में है और मैगी खाने लगे। और ये हमने मार्केट से थोड़ा सा सामान, जो कि प्रसाद, और यहाँ पे एक ये हमें मिला है बहुत बढ़िया से, ये भाविका जी ने पसंद किया है, हरे कृष्णा लिखा हुआ है, की होल्डर है, बहुत बढ़िया से मिल गया। वो 220 का कह रहा था और मैं 150 में ले आया, लेकिन वो 100 में भी मान जाता वैसे। हमारा सामान तैयार होके आ गया है, तो हम पहले खा ये स्प्रिंग रोल, तो चलिए खा के बताते हैं कि कैसे है ये। तो स्प्रिंग रोल बढ़िया है, अब हमारी मैगी जो है वो आ चुकी है, लुकिंग वेरी टेस्टी। हाउ इज इट? बढ़िया है, मस्त, जबरदस्त। पहाड़ी इलाके की ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम मैगी, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब आए हम यहाँ पे सॉफ्टी खाने के लिए, यहाँ की एक मशहूर सॉफ्टी की, बढ़िया सी सॉफ्टी खानी हो तो यहाँ पे मेन कटड़ा चौक के पास है दुकान, लक्ष्मी वैष्णो ढाबा के सामने, दैट इज 7-स्टार आइसक्रीम शॉप। बहुत बढ़िया सॉफ्टी बना के देते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो बाकी का बाद में मिलते हैं। दानी नगर लुधियाना से माँ का शुक्राना करने के लिए और ज्योति पर गलत लिए श्रीमान श्री जुगल किशोर जी, एक्स मिनिस्टर पीएच, जिनके पास का महकमा था और पीपीसी लाइव केस, ज्योति पर गलत को पूरी दुनिया के अंदर माँ वैष्णो देवी के श्री चरणों में बैठ करके माँ के ये भगत माधन माता रंगना चैटिंग कर रहे हो उधर उधर को, माये में खाली नहीं जाना। देवी मंदिर एंड थ्री अदर प्लेसेस जाके आपको तीसरा दिन है और हम यहाँ पे एक वाटरफॉल देखने आए हैं, बाबा धनसार वाटरफॉल। ये कटड़ा से थोड़ा सा आगे जाके है, आप में ऑटो मिल गया था होटल के बाहर से ही, तो मैं यहाँ पे भी पहली बार विजिट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी जगह है। व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ।
बहुत सुंदर वाटरफॉल है यहाँ पे, और ये बिल्कुल नेचुरल है, बनाया नहीं गया है। लुक एट द ब्यूटी और क्रिस्टल क्लियर वाटर, मस्ट विजिट प्लेस, आपको एक बार आना जरूर चाहिए यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं नव दुर्गा मंदिर में, ये भी वहाँ से कटरा के पास ही है, हम देख सकते हैं। आज हमारा है यहाँ पे यात्रा का आखिरी दिन, तो ये हमारी है, तो अभी वापसी की तैयारी में है, आधा घंटा पहले आके खड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे आई थिंक पठानकोट के बाद, पता नहीं कहाँ पे जाए, जम्मू क्रॉस करते ही हमारा नेट ऑन हो जाएगा, नेटवर्क ऑन हो जाएगा, और हालत ख़राब हुई है, घूम फिर के इधर उधर चेहरे उतरे हुए हैं।